नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे वी एस एजुकेशन हब। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, आपका परिवार भी बहुत स्वस्थ होगा। माय डियर एस्पिरेंट्स, आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में अपन बात करेंगे एसपीए क्लर्क जूनियर एसोसिएट 2021 जो एग्जाम्स हैं, जिसके फॉर्म स्टार्ट हो गए थे 27 अप्रैल से 17 मई तक फॉर्म आपके भरे जाएंगे, राइट। तो उसके कुछ इम्पोर्टेंट लास्ट ईयर के जो एक एग्जाम्स हुए थे 18 में, राइट, 2018 में, 2019 में एंड 2020 में, ये जो पिछले 3 सालों में जो एग्जाम्स हुए हैं उसके कुछ क्वेश्चंस मैं आपके लिए अपलोड कर रहा हूँ, राइट। पहले मैंने पार्ट फर्स्ट अपलोड किया था जिसमें सिंप्लीफिकेशंस के 10 क्वेश्चंस मैंने अपलोड किए थे 2018 के। आज के इस वीडियो में अपन पार्ट टू डिस्कस करेंगे 2019 के, राइट, 10 क्वेश्चंस, ओके। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप में से पार्ट वन अभी तक नहीं देखा है तो पहले प्लीज़ उसको जाके देखिए, बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं। मेरी मानिए, जो ये क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूँ उनको अगर आप अच्छे से कर लिया, एक बार दो बार प्रैक्टिस कर लिया, वीडियो को बार बार देख लिया, तो गारंटी है एग्जाम्स में बिल्कुल डिट्टो लेवल के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, राइट। यानी कि पैटर्न वही रहेगा, राइट, जो नंबर्स वह आपके चेंज होंगे, ओके। तो प्लीज वीडियो को पूरा देखिएगा, कंटिन्यू करते हैं वीडियो को। एंड बिफोर दैट, अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, पहली बार आए हैं, तो प्लीज पहले सब्सक्राइब बटन पे जरूर क्लिक करें ताकि कोई भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड हो, कोई अपडेट हो, एग्जाम्स के रिगार्डिंग अपडेट हो, तुरंत आपको मिलेगी। प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल्स, एंड अच्छा लगे आपको तो वीडियो लाइक करिएगा। मेहनत अच्छी लगे, कुछ भी मैं आपकी हेल्प कर पाऊँ, लाइक बटन पर जरूर प्रेस करिएगा एंड शेयर जरूर करिएगा अपने ऑल ओवर फ्रेंड्स में, राइट। देखिए, जैसे मैंने ये सिंप्लीफिकेशंस के वीडियोज अपलोड कर रहा हूँ, उसी प्रकार मैंने आपकी मिसिंग नंबर सीरीज पिछले 3 सालों में जो पूछी गई थी उनका एक कंप्लीट, एक ही वीडियो में सभी मैंने कंप्लीट करवा दी है, राइट। आप इस वीडियो को भी देख लीजिएगा, पैटर्न को देखिएगा, पैटर्न किस टाइप से पूछ रहा है, स्क्वायर बेस पर, क्यूब बेस पर, डिफरेंस बेस पर, मल्टीप्लिकेशन बेस पर, राइट, कौन कौन से पैटर्न पूछे जा रहे हैं उनको नोट कर लीजिएगा एक बार, ओके। एंड जो भी स्टूडेंट एसपीए क्लर्क की तैयारी कर रहा है, राइट, जो मैथ में एक तरह से कह सकता है ना कि स्टूडेंट का फोबिया रहता है कि मैथ हम सर कैसे करें, राइट, तो उसके लिए मैंने एक वीडियो अपलोड किया है, मैथ को आप कैसे कर सकते हैं, कैसे आप मार्क्स ला सकते हैं, इसका एक कंप्लीट और डिटेल स्ट्रैटेजी वीडियो मैंने अपलोड किया है। डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में लिंक अवेलेबल है, एक बार जाके जरूर देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, आपकी हेल्प जरूर करेगा। उसी प्रकार अगर आपको मैथ का पेपर चाहिए लास्ट ईयर 2020 का, राइट, सारे के सारे 35 क्वेश्चंस मैंने इसमें डाले हैं, राइट, एक पीडीएफ फॉर्मेट में है, यह भी अगर आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिएगा, अदरवाइज टेलीग्राम चैनल का लिंक अवेलेबल है, वहां से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, ओके। नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चंस, अब अपन डायरेक्ट बात करते हैं क्वेश्चंस पे। जैसा कि मेरे जो रेगुलर सब्सक्राइबर है उनको मैं बताते चलता हूँ, और जो न्यू जुड़ रहे हैं, न्यू सब्सक्राइबर हैं, उनको बताते चलूँ, माय डियर एस्पिरेंट्स, मैथ में अगर आपको क्लियर करना है, बाकी तो स्ट्रैटेजी देखिएगा, अगर आपको मैथ में अच्छे मार्क्स लाने हैं, अच्छे क्लियर करने हैं, टाइम सेविंग करके अटेम्प्ट करना है, तो 3 चीज़ें फॉलो करिए जो मैं रेगुलर वीडियो में बताता हूँ। फर्स्ट इज कि आप 1 to 30 तक, 1 to 30 तक टेबल, राइट, टेबल्स यानी कि पहाड़े, राइट, इसको याद कर लीजिए। एंड देन फिर आप 1 to 20 तक क्यूब याद कर लीजिए, फिर आप 1 to 50 तक, ओके, 50 तक कर लीजिए स्क्वायर, राइट, 50 तक स्क्वायर, ये 3 चीज़ें आपके मैथ में बहुत काम आएगी,
इसको ऐसा रट लीजिए जब भी आप चले। देखिए कोई कोई स्टूडेंट ऐसे जीके को याद रखते हैं, उसको कहीं से भी कभी भी पूछ लीजिए तुरंत याद रहता है, राइट। वो कैसे याद रहता है? क्योंकि ये बार बार रिविजन्स करते हैं। तो आपको भी मैथ में ऐसे ही याद रखना है, कभी भी कहीं पे भी आपको पूछ ले 41 का स्क्वायर बताइए, राइट, 39 का स्क्वायर बताइए, 29 का स्क्वायर बताइए, राइट, क्यूब बताइए 15 का, 16 का क्यूब बताइए, कभी भी एनी टाइम आपको तैयार रहना है, राइट। तो पहले इनको रट लीजिएगा, अगर आपने नहीं रटा है, रिविजन्स किया है, ऐसे में कहने का मीन्स यही है कि आपको इस टाइप से आ जाना चाहिए, कभी भी कहीं पे भी पूछे आपको पता रहना चाहिए, राइट। टेबल्स आपको 1 से 30 तक बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए, ताकि तुरंत आते ही तुरंत पता चले। ओके, अब आइए बात करते हैं क्वेश्चंस की। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट क्वेश्चन है 36% ऑफ 180 एंड डिवाइडेड बाय 0.4%, राइट, 0.4, राइट, 4% इज नहीं 4, इट मीन्स पहले बोर्ड मार्क्स का रूल फॉलो करेगा, पहले परसेंटेज को अपने ब्रैकेट को सॉल्व करना पड़ेगा बोर्ड मार्क्स में, तो ब्रैकेट को पहले सॉल्व करिए। 36% ऑफ 180 है, राइट। आप देखिए अब इस क्वेश्चन को, कल एक मैंने चीज बताई थी, आप इसको उस टाइप से भी सॉल्व कर सकते हैं। 36 है ना, इसको मानिए 35%, 35% ऑफ 180, तो ये कितना हो गया, 35 तो मैंने बताया था, इसका डबल, इसका डबल होता है 70 और इसका हाफ होता है 90। तो इसको दोनों को मल्टीप्लिकेशन करिए परसेंटेज से, तो 2 जीरो निकल जाएंगे, राइट, 9 7 जा 63, तो यहाँ पर अपन ने 63 मेंशन कर दिया है, प्लस क्योंकि अपन ने 35% लिया था, 1% है, 10% होता है 18, 1% होता है 1.8, तो 1.8 अपन ने मेंशन कर दिया, क्लियर। ये आपको वर्बली करना है, यहाँ पर ये सोचना पड़ेगा आपको कैसे करना है, राइट। अगर 37% होता तो भी आप निकाल सकते थे, इसका 2% है 35%, ये एक तरीका होता है क्वेश्चंस को सॉल्व करने का, राइट। ये कब आएगा, जब आप लॉट ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लोगे ना, तब आपके दिमाग में बैठ जाएगा। अपॉन में 0.4 है, राइट, तो ये आपका हुआ 64.8 एंड ये आपका हुआ 0.4, 64.8 है तो पॉइंट से तो पॉइंट निकल गया, एंड ये आपका 16 टाइम्स, ये आपका 2 टाइम्स, तो आंसर्स विल बिकम दैट इज द 162। बी ऑप्शंस आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर्स होगा। इज इट क्लियर? अच्छा क्वेश्चंस था यह भी, बहुत सारे स्टूडेंट हैं इसमें थोड़ा सा टाइम लेते, बट आपको यह पैटर्न फॉलो करना है। आपके आपके पास इससे भी कोई शॉर्टकट पैटर्न हो, देखिए ये मैंने समझाया तब टाइम लगा, बट एग्जाम्स में अगर मैं होता तो डायरेक्ट 35% ऑफ 180, 70% ऑफ 90, दैट इज द 63, 1% 1.8, डायरेक्ट मल्टी जोड़ता, ऐड करता और 0.4 से डिवाइड कर देता, आंसर आ जाता। ओके, समझ में आता जा रहा है ना, तो लाइक करते चलिएगा, क्योंकि लाइक बहुत कम आता है स्टूडेंट, प्लीज लाइक करें, मोटिवेशन मिलता है। नेक्स्ट देखिए, ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चंस है, 2/7 इजी क्वेश्चंस, इट मीन्स यहाँ पर कैलकुलेशंस करनी है, कैलकुलेशंस अगर आपकी फास्ट है तो आप क्वेश्चंस को इजीली कर पाओगे। 2/7, 5/6 एंड 3/8 इनटू एक्स इज इक्वल टू 90, राइट, 90, क्लियर। 3 × 2 दैट इज यहाँ पर 6 निकल गया, 5 से ये आप निकाल दीजिए 90, तो 5 से ये निकल गया 18 टाइम्स, अब बचा कितना नीचे, 7 × 8 56 x 56 बचेगा, नॉट इंटू, क्योंकि ये डिवाइड में ना इज इक्वल टू 18, तो कैलकुलेशन होगी x बराबर 56 इंटू 18। अब इसको कैलकुलेशंस करना, इसको मानिए माइडी रेस्पोंस 50 प्लस का 6, ये मैं आपको बता रहा हूँ एग्जाम्स में ओनली फॉर वर्बली करना है, इंटू 18 करना है, 18 का टेबल्स मैंने आपको बताया था,
18.5 जब 990 होता है, जीरो का जीरो मेंशन कर दिया। 18.6 जब 18.6 जब 108 दोनों को ऐड कर दीजिए, दैट इज द 1008 आंसर्स विल बिकम, दैट इज द ए ऑप्शंस। ए ऑप्शंस आपका बिल्कुल सही आंसर्स होगा। इज इट क्लियर? समझ में आता जा रहा है क्वेश्चंस, अच्छा लगता जा रहा है? तो प्लीज लाइक करना मत भूलना माय डियर स्टूडेंट्स। कहीं पे भी कोई भी अमाउंट या कोई भी नंबर्स आपको नहीं समझ में आता, कमेंट बॉक्स आपके सामने ओपन है, टाइप कर दीजिएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए थर्ड नंबर, 14 से 2/7%। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जिसको नहीं पता होगा वह इस क्वेश्चन को स्किप करेगा, और जिसको पता होगा वह इस क्वेश्चन को विद इन 5 सेकेंड में कर लेगा। राइट, देखिएगा, अब 4200 में 576 का रूट चाहिए। राइट, यानी कि रूट में है, ये किसका स्क्वायर होता है, पहले ये चीज भी आपको जानना बहुत जरूरी, इसीलिए मैंने कहा था 1 to 30 तक स्क्वायर आपको याद होने चाहिए, और अगेन एक्स का 1/2 यानी कि रूट में चाहिएगा। ओके, देखिए सबसे पहले तो 14 से 2/7 या फ्रैक्शंस वैल्यू होती है 1/7 की। राइट, 1/7, 1/7 × 14, राइट, 4200। जैसे आपको एग्जाम्स में दे दे 12 से 1/2 = 1/2 = 64 400, तो 12 से 1/2% है, तो ये आपका किसका होता है, 1/8 का होता है। राइट, क्लियर। इसी प्रकार आपको 14 से 2/7 है तो 1/7 का। राइट, तो दैट इज ये आपका गया 6 टाइम, यानी कि 600 600 अपॉन 576 किसका स्क्वायर होता है, तो आपका होता है दैट इज द 24 का। 21 का होता है 441, 22 का होता है 484, 23 का होता है 529, एंड 24 का होता है 576, एंड देन 25 का 625, एंड देन 76 का 676। ये सारी चीजें आपकी रटी हुई होनी चाहिए। एंड अपॉन में x बराबर 1/2, 1/2 है, इसको रूट में भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये 24 से कितने टाइम्स, दैट इज 2 टाइम्स, दैट इज द 5 टाइम्स। 12 बचा, 12 कैरी किया, तो 120, 24 × 5 = 120। राइट, तो 24 = x से ही 1/2 है, तो इसको रूट एक्स भी अपन कर सकते हैं, एक ही ही चीज़ है। तो x बराबर रूट एक्स है, तो रूट इधर आगे स्क्वायर में कन्वर्ट होगा, तो 24 का स्क्वायर, तो x बराबर दैट इज द 625, यानी कि सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। ओके, इज इट क्लियर? समझ में आया आपको? समझ में आया तो प्लीज लाइक बटन पे जरूर प्रेस कर दीजिएगा एक बार। ओके, नेक्स्ट देखिए फोर्थ नंबर क्वेश्चंस, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। राइट, बहुत ही अच्छा, 35% of 150 × 60, इट मीन्स पहले परसेंटेज वाले पार्ट को सॉल्व करना पड़ेगा, उसके बाद अपन 16 से डिवाइड कर सकते, 16 से मल्टीफिकेशन करेंगे, एंड देन उस माइनस का 22 जो इधर आके प्लस का होगा। ओके, तो 35% of 150 है ना, तो इसको 35% of 150% निकालना है, तो डायरेक्ट निकालिए, 100% होता है 35, 50% कितना होता है 35 का, तो इसका हाफ दैट इज द 17.5 × 16, प्लस का अपन को चाहिए 22, तो अपने पास x की वैल्यू आएगी। ये माइनस का इधर आके मैंने प्लस का कर दिया है, कंफ्यूज मत होइएगा। अब देखिए इसको जोड़ना नहीं है, इसको यहीं पे ही कैलकुलेट कर दीजिए, क्योंकि 16 से मल्टीप्लिकेशन करना है। ओके, देखिए कैसे होती है, 35 × 16 करना है, मैंने बताया था डबल एंड हाफ, इसको डबल 70 × इसको हाफ 8, 70 × 8 दैट इज द 560,
एंड देन 17.5 × 16, अगेन इसको कर दीजिए 70, देखिए 17.5 है इंटू अपने को 16 करना है, नहीं बन रहा डायरेक्ट इसको डबल कीजिए 35 × 8 हुआ, इसको हाफ कर दिए अगेन नहीं बन रहा तो फिर इसको डबल कीजिए 70 × 4, अब तो बनेगा ही ना, 7 × 4 = 28 माइनस का प्लस का 22, सॉरी प्लस का होगा इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू। तो एक्स बराबर कितना बचा, देखिए 5 और 2 दैट इज द 7 राइट, 7 एंड 80 यहां से 20 यहां से उठा लीजिए तो 7 + 1 = 800, 802 यहां पर बचा, 6 यहां पर 60 यहां पर बचा तो 862 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। आई होप सो गाइस कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा, छोटा क्वेश्चन दिख रहा है पर जो स्टूडेंट इसको उस टाइप से बनाने गए तो थोड़ा सा टाइम लग सकता है राइट। देखिए सिंप्लीफिकेशंस अप्रोक्सीमेशंस प्रत्येक एवरी स्टूडेंट कर लेगा, बट कैसे सॉल्व करना है, कितना टाइम आप लगाते हैं, दैट इज द मैटर ऑफ दिस। ओके नेक्स्ट देखिए फिफ्थ नंबर क्वेश्चन से, बिल्कुल इजी है, कैलकुलेशंस करके डिवाइड करना है 3 और 6 दैट इज द 9,000, 80 और 160, 16 + 8 = 24 यानी कि 240 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 330, 0 से 0 निकल गया, ये 11 से 3 times, ये 11 से 3 times, ये 11 से गया दैट इज द 8 times, 4 times, 4 times तो x की वैल्यू कितनी आई 28 × 3 दैट इज द 84, तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। ओके नेक्स्ट देखिए सिक्स्थ नंबर क्वेश्चन, रूट एक्स प्लस 135.9 आए थे तो इसको अपन मान लेते हैं 136 इज इक्वल टू 4.98 है तो इसको मान लेते हैं 5 डिवाइडेड बाई 7.89 है तो इसको 8 मान लेते हैं हाफ यानी कि इनटू 320 तो 320 8 से निकल गया 40, 5 × 4 = 200 यहाँ पर आपका 136 यहाँ पर आपका है रूट एक्स तो रूट एक्स इज इक्वल टू 200 माइनस का 136 तो रूट एक्स इज इक्वल टू 64 तो एक्स बराबर रूट एक्स इधर है तो इधर आके स्क्वायर में बदलेगा तो 64 का स्क्वायर होता है दैट इज द 4096 ये याद रखना पड़ेगा 4096 राइट 4096 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। मोस्टली क्वेश्चन देख सकते हैं रूट और स्क्वायर बीच पर है, यह कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर है तो डेफिनेटली क्वेश्चन अच्छे से आपके बनेंगे। ओके इतनी श्योरिटी है गामाडी रेस्पेंट एसपीए क्लर्क 2021 में इससे टफ लेवल नहीं पूछा जाएगा, इससे इजी ही पूछेगा, बट आपको मिनिमम टाइम में क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। नेक्स्ट देखिए एक पावर से रिलेटेड भी क्वेश्चंस बनेगा आपका, तो ध्यान से देख लीजिएगा इस क्वेश्चंस को भी। देखिए पावर में हमेशा ध्यान रखिए जो डिनोमिनेटर है यानी कि यह संख्या है इसको आपको समान रखना है राइट, अगर आपको ये समान नहीं है तो पावर का आप कुछ नहीं कर सकते, पहले इसको समान करिए फिर आप क्वेश्चंस में कर सकते हैं। यहाँ पर मेरे जो क्वेश्चंस हैं इसमें क्वेश्चंस में आपकी जो यह संख्याएं हैं डाउन ये सारी की सारी आपकी समान है। अब इसको सॉल्व करना पावर में एक चीज ध्यान रखिएगा, जिस किसी पावर का मल्टीप्लिकेशन हो तो वह ऐड होती है और जिस किसी पावर का डिवाइडेड हो वह हमेशा लैश होती है। क्वेश्चंस को देखिए अच्छे से समझ में आएगा राइट।
सारी संख्याएं सेम हैं तो अपने सीधा पावर से ही कैलकुलेशंस करते हैं। 7.8 इनटू है तो प्लस का, 1.2 डिवाइडेड है तो माइनस का, दैट इज द 5 एंड इज इक्वल टू, यहाँ पर कुछ नहीं है, 1/13 की पावर 1 हुई प्लस का एक्स बचा। तो क्लियर ना सर सोल है, दिखने में क्वेश्चन टफ लगता है बट डायरेक्ट अपन सॉल्व कर सकते हैं राइट। तो 7.8 प्लस 1.2 तो डेफिनेटली क्या बनेगा, दैट इज द 9, 9 माइनस 5 इज इक्वल टू 4, 1 प्लस एक्स राइट। तो एक्स बराबर 4 माइनस 1 तो एक्स बराबर 3। आंसर दीजिए और आगे बढ़ जाइए, यानी कि बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर होगा राइट। बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए 8th नंबर रूट एक्स। देखिए इसमें अगर आपके स्क्वायर क्लियर है ना तो ही आप क्वेश्चन को कर पाओगे। प्लस का 14 इज इक्वल टू रूट 2601 माइंड रेस्पॉन्स 2500 होता है आपका 50 का स्क्वायर होता है 2500 तो 50 से ये आपका 2601 है तो कितने का होगा, दैट इज द 51 का। तो रूट एक्स में इज इक्वल टू 51 माइनस का 40 तो रूट एक्स इज इक्वल टू 50 होता तो 36 होता, 1 ज्यादा है तो 37 हुआ, तो एक्स बराबर 37 का होल स्क्वायर। तो एक्स बराबर 37 का कितना होता है, 35 का होता है, दैट इज द 1225 राइट। 36 का होता है 36 का 1296, 37 का होता है 1369 राइट। तो आंसर्स विल बिकम 1369, सी इसका करेक्ट आंसर होगा ओके। नेक्स्ट देखिए 85% of 420 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है राइट, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। क्वेश्चंस को समझिएगा कहां से कहां तक क्वेश्चंस पहुंचता है। प्लस का एक्स परसेंटेज ऑफ 1081 बराबर 735। पहले इसको सॉल्व करिए, मैंने जैसा कि आपको बताया इसको डबल करिए, 170% ऑफ 420 है तो इसको हाफ कर, इसको डबल किया तो इसको हाफ करना पड़ेगा ना, तभी इक्वल होगा तो 210 राइट। अब परसेंटेज है तो परसेंटेज 1010 दो जीरो ये निकल गए तो 17 × 21 करना है क्लियर। तो देखिए इन दोनों के मिड का टर्म क्या है, 19 में से 2 अगर लेस करेंगे तो अपने पास 17 आएगा, अगर 2 ऐड करेंगे तो अपने पास 21 आएगा। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला वो फॉर्मूला अपन यहाँ पर मेंशन करेंगे, तो 19 का स्क्वायर माइनस का 2 का स्क्वायर, तो क्लियर आंसर आएगा अगर आपको याद है तो। 19 का स्क्वायर होता है 361, 2 का स्क्वायर तो सबको याद है दैट इज द 4, तो आपके आंसर आएगा एकदम करेक्ट दैट इज द 357। यानी कि इन दोनों को आप अगर आप कैलकुलेटर में भी करेंगे ना तो एकदम एग्जैक्ट आएगा 357 ओके। प्लस का एक्स परसेंटेज अच्छा लगा लाइक करिएगा और 180 माइनस का 735 तो क्लियरली है एक्स परसेंटेज ऑफ 180 इज इक्वल टू 735 माइनस 357 राइट, 357 तो यहां पर ये कितना हो गया, दैट इज द 8
8 बज गए एंड देन यहाँ पर 72, 72 माइनस 35, 35 का डबल होता है 70, तो 2 ज़्यादा है तो 37 का यहाँ पर डिफरेंस यानी कि 378। तो कितने 1080 का 378 कितने परसेंटेज है, यहाँ पर आपको IQ लगाना है। इट मीन्स आपका IQ कितना तेज है ये आपको ध्यान में रखना है। अगर सपोज कीजिए यहाँ पर 1000 होता, राइट, 1000 होता तो 1000 का 37.8% ही होता ना, राइट, तो मतलब कि यहाँ पर 80 ज़्यादा है तो डेफिनेटली 37.8 से कम ही होगा, राइट, तो आंसर आएगा 35%। कुछ स्टूडेंट्स उसको निकालेंगे, एग्जैक्ट वैल्यू निकालेंगे, कुछ मैटर नहीं करता, आप एग्जामिनर को ओनली फॉर आंसर से मतलब है, ओके। तो 35 इज द करेक्ट आंसर, ओके, क्लियर। तो 357 यानी कि इसका आंसर आपका बी होगा, समझ में आया। तो प्लीज लाइक बटन पे जरूर प्रेस कर दीजिएगा माय डियर स्टूडेंट। नेक्स्ट है 10th नंबर क्वेश्चंस, ये आपके लिए होमवर्क का क्वेश्चंस है, राइट, प्लीज इसका आंसर जरूर टाइप करिएगा। सर इसका आंसर आपके ये होगा, ओके, ट्राई करिएगा घर पे, नहीं होता तो कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिएगा सर हमसे नहीं हुआ, ओके। तो वीडियो को एंड अप करते हैं, ये पार्ट टू हो गया यानी कि पार्ट टू कंप्लीट हो गया है। पार्ट थ्री भी मैं जल्द ही आपके लिए अपलोड कर दूंगा ऐसे क्वेश्चंस में, राइट। तो प्लीज अगर आपको अच्छा लगा कि कुछ भी मैं आपकी हेल्प कर पाया हूँ, कुछ भी आपने सीखा है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल्स, ओके, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। बहुत बहुत शुक्रिया आपको वीडियो को देखने के लिए। अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल्स पे न्यू हैं सब्सक्राइब करना मत भूलें, प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल्स, ओके ओके, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। मिलते हैं किसी ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है मैथ में, तो प्रैक्टिस भी कंटिन्यू करते रहिए। थैंक यू सो मच।